हेलो दोस्तों, मैं हूं नेहा और आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूं माइंडट्री के तरफ से एक बढ़िया अपडेट। ये L&T ग्रुप की कंपनी है, सो काफ़ी इंटरेस्टिंग पोस्ट यहां पर आई हुई है। अगर आप एलिजिबल है तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस करेंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, प्रोसेस क्या है, सब कुछ आपके साथ शेयर करूँगी, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और अगर पहली बार आप मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना, ताकि जब भी मैं ऐसे करियर रिलेटेड वीडियोज़ डालूँ तो आपको सबसे पहले मिले। इसी के साथ चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ। बहुत से ऐसे दोस्त होंगे आपके जो जॉब फाइंड कर रहे होंगे, तो उनके लिए ये वीडियो बेस्ट रहेंगी। नाउ फ्रेंड, डायरेक्टली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तरफ बढ़ते हैं। सो माइंडट्री जैसे कि L&T ग्रुप की कंपनी है, आपको अगर यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करते तो सारी डिटेल वैसे तो मिल जाएंगी। इन्होंने ऑफ कैंपस अनाउंसमेंट की हुई है, जो कि जूनियर इंजीनियर की रोल की सी बैंड के अंदर। सो यहाँ पर अगर आपने 2020 या 21 में ग्रेजुएशन कंप्लीट की है, अगर आपने CS IT के फील्ड में ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, तो ही आप एलिजिबल है। अब कंप्यूटर साइंस और IT के साथ साथ इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, ये ब्रांचेस को भी अलाउ किया हुआ है। सो ये ब्रांच यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप दूसरे ब्रांच से बिलोंग करते हैं तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं। सो जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर CS IT और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर इन्होंने 10th, 12th और इंजीनियरिंग परसेंटेज का क्राइटेरिया यहाँ पर बताया हुआ है। 60% यहाँ पर मिनिमम होने चाहिए, 6 CGPA होना चाहिए और किसी भी तरह का बैकलॉग यहाँ पर नहीं होना चाहिए। और इन्होंने यहाँ पर इसकी लास्ट डेट दी हुई है, जो है 28th of August। सो नाउ अब सैलरी की बात करते हैं। सो सबसे पहले तो आपका यहाँ पर 60 डेज़ का ट्रेनिंग पीरियड होगा, जहाँ पर आपको 21,000 का स्टाइपेंड दिया जाएगा। एंड बाद में यहाँ पर आपको ज्वाइन करवाएंगे तो आपका कॉम्पेंसेशन 2.97 लाख पर एनम का होगा। तो ये आपका 3 लाख पर एनम के करीब तक का पैकेज है। एंड सबसे अच्छी गोल्ड अपॉर्चुनिटी तो ये है कि आपको L&T की कंपनी में वर्क करने का मौका मिल रहा है। तो ये सबसे अच्छी बात है, ये सबसे अच्छी बेस्ट अपॉर्चुनिटी है L&T की कंपनी को, तो आप जानते ही है। सो माइंडट्री उनके ही ग्रुप की एक कंपनी है। नाउ सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं। अब सिलेक्शन प्रोसेस में इन्होंने ज़्यादा मेंशन तो नहीं किया है, बट मेरे हिसाब से यहाँ पर रिटन टेस्ट होंगे और इंटरव्यू होगा। सो अगर रिटन टेस्ट नहीं होती है तो इंटरव्यू के राउंड ज़्यादा होंगे, HR टेक्निकल राउंड, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। यहाँ पर जॉब लोकेशन की बात करें तो डिफरेंट जॉब लोकेशंस है। अब ये यहाँ पर इन्होंने फिक्स नहीं बताया हुआ है, आपको कहीं पर भी पोस्ट मिल सकती है। सो ये कम्प्लीटली उन पर डिपेंड है। सो कैसी लगी आज की वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।